नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट की खास पेज का स्पोर्ट्स पोस्ट पे। कल आरसीबी और केकेआर के बीच मैच से ज्यादा लोग उत्साहित ये थे कि विराट कोहली और गौतम गंभीर का आमना सामना होगा तो क्या फिर से एक बार लफड़ा होगा। लोग इसी के इंतजार में उस मैच का इंतजार कर रहे थे और उस पल का इंतजार कर रहे थे, पर हुआ कुछ और। एक्चुअली जो हो रहा था उसमें मैच की स्ट्रेटेजी के दौरान यानी कि टाइम आउट के दौरान गौतम गंभीर अपनी टीम से बात करने आते हैं। उस दौरान गौतम गंभीर मैदान में मौजूद विराट कोहली के पास जाते हैं, गले लगाते हैं और साथ में वहां पर कुछ बातचीत होते नजर आए। उसको देखने के बाद फैंस तो अलग अलग तरीके से तो रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कि लोगों को ये था कि आज फिर से लफड़ा देखने को मिलेगा, पर हुआ कुछ और। ये सब देख के सब चौंक गए। सिर्फ फैंस ही नहीं चौंके बल्कि कमेंटेटर और भारत के पूर्व खिलाड़ी भी इस चीज़ को देखकर काफ़ी खुश भी हुए और उन्होंने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी। उन्हीं प्रतिक्रियाओं में से दो लोगों का जो है वो बयान काफ़ी वायरल हो रहा है। पहला तो सुनील गावस्कर का, जो जिन्होंने बोला, एक्चुअली दो लोग मौजूद थे उसमें, सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री। रवि शास्त्री ने कहा कि दोनों को गले लगाना इनको फेयर प्ले अवार्ड जितवा देगा। उसके बाद सुनील गावस्कर ने चुटकी लेते हुए कहा, ना सिर्फ यहाँ पर इनको फेयर प्ले का अवार्ड मिलेगा बल्कि इनको इसके लिए ऑस्कर भी मिलना चाहिए। यानी कि ऑस्कर जो कहता है कि सबसे बड़ा अवार्ड में से एक माना जाता है, उसको यहाँ पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि इनको ऑस्कर मिलना चाहिए। आपको बता दें कि जब ये दोनों खिलाड़ी आपस में गले मिले तो भारत के जो चाहने वाले, क्रिकेट के चाहने वाले लोग थे, बहुत खुश हुए। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि 2023 में गौतम गंभीर, विराट कोहली, नवीन उल हक आपस में भिड़ गए थे, जिसके बाद जो उसका वीडियो थी, फोटोज थी, सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुई थी। और ये पहला मौका नहीं था कि जब विराट और गंभीर आपस में भिड़े थे। इससे पहले और एक बार जब केकेआर के कप्तान गंभीर थे और विराट कोहली के आउट होने के बाद जिस तरीके से सेलिब्रेशन गंभीर ने किया था, फिर उसके बाद विराट कोहली आते, तीखी बहस होती। यानी कि इनका इतिहास ऐसा ही रहा था और लोग इस मैच को लेकर लफड़े का इंतजार करते हैं, पर लफड़ा तो नहीं हुआ, दोस्ती जरूर हुई। और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, लोग अपनी तरह तरह के यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं और काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं गंभीर और विराट कोहली की दोस्ती को लेकर। पर आपको बता दें, कल का मैच आरसीबी हार चुकी है। गंभीर की टीम केकेआर ने शानदार तरीके से, बहुत आसानी से इस मैच को जीत कर पॉइंट्स टेबल पर एक मजबूत स्थिति में पहुंच गई है और आरसीबी के लिए दिक्कतें बढ़ गई है क्योंकि उनकी बॉलिंग अटैक बहुत ही कमजोर और लचर दिखाई दे रही है। मेरे साथ स्पोर्ट बस इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।